गुड आफ्टरनून क्लास. टुडे वी स्टार्टेड टॉपिक डिसइंफेक्टेंट. लास्ट क्लास में भी अपन ने डिसइंफेक्टेंट पढ़ा था. आज कंटिन्यू करेंगे टॉपिक. बस छोटा सा रिकैप ले लेंगे अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था डिसइंफेक्टेंट में. सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट में कौन कौन सी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सेप्सिस, एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस, सैनिटाइजेशन, बैक्टीरियलसाइडल, वायरुसाइडल, फंगीसाइडल, स्पोरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक. तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है. तो बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वो स्पेसिफिकली किलिंग करते हैं, किल कर देते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और बैक्टीरियोस्टैटिक सिर्फ इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं किसी भी स्टेज पे, आगे नहीं बढ़ने देते. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. मैं बार बार इस पे इसलिए प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि आगे अपना टॉपिक है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. तो अपन को कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विच वन इज किलिंग एंड विच वन इज इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. फिर उसके बाद अपन इंट्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, फिर आइडियल डिसइंफेक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, फास्ट एक्टिंग, ऑर्डरलेस, सरफेस कंपैटिबिलिटी, इकोनॉमिकल, ईजी टू यूज होना चाहिए, सॉल्युबल एंड मिसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, नॉन अफेक्टेड बाय द फिजिकल फैक्टर, स्टेबल ऑन स्टोरेज. देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, द केमिकल एजेंट्स आर क्लासिफाइड. फर्स्ट वन इज एसिडिक एंड एल्कलीज, हैलोजन्स, हैवी मेटल्स, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव. फिनॉल में शायद आपको याद हो 1% फिनॉल सबसे प्रोमिनेंट डिसइंफेक्टेंट माना गया है. देन उसके बाद अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, क्वार्टरनरी एमोनियम कंपाउंड्स, डाइस, डिटर्जेंट्स एंड सोप्स. देन फिनॉल इज द चीफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल टार. फिनॉल इज 1% हैज बैक्टीरियोसाइडल एक्शन. मेनी डेरिवेटिव्स आर फिनॉल ऑफ मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉस्टली. इसका सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ज़्यादा इफेक्टिव भी है और स्पेसिफिकली कॉस्ट वाइज भी कम. अल्कोहल में अपन ने अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स पढ़े थे, उनका अलग अलग यूज था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. वेजिटेटिव बैक्टीरिया के लिए अपन डायल्यूटेड टू द कंसेंट्रेशन ऑफ 60-70% विथ वाटर. इथेनॉल 60-70% एंड आइसोप्रोपेनॉल 50-60% आर यूज एज स्किन डिसइंफेक्टेंट. वाइल मिथेनॉल वेपर हैज यूज एज फंगीसाइड्स. द हायर अल्कोहल प्रोपाइल amyl are more germicidal than ethyl alcohol. Alcohol are used as preservative in some vaccine. Quaternary ammonium compound, dyes. Number of dyes have been used to inhibit the bacterial growth. Basic dyes are more effective bactericides than acidic dyes. Then detergent and soaps. Then mode of action of disinfectant. Concentration of disinfectant, factors affecting of disinfection, temperature, time of contact, pH of environment, surface tension, formulation of disinfectant, chemical structure of disinfectant, types and number of microorganism present, interfering substances in the environment, potentialization, synergies, antagonism of disinfectant. Concentration में मैंने आपको formula बताया था, n is equal to log T2 minus log T1 divided by log C2 minus log C1, where n is the concentration exponent or dilution coefficient for disinfectant, T1 the dead time with disinfectant concentration C1, T2 the dead time with disinfectant concentration of C2. Temperature, the lethal effect of bacterial population can be increased by increasing the temperature. अगर जितना temperature बढ़ेगा उतना ज़्यादा lethal effect होगा bacterial population. The effect of temperature and bactericidal activity may be expressed by quantitatively by mean of temperature coefficient. The temperature coefficient per degree rise in temperature is denoted by theta, whereas per 10 degree centigrade rise in temperature is expressed by theta power 10 or Q10 value. The value of Q10 for phenol is 4, which means that over than 10 degree centigrade range used to determine the Q10, the activity will be increased by factor 4.
time of contact, pH of the environment, chemical structure of disinfectant. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स अफेक्ट द डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी. सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल चेन अप टू 6 कार्बन इन लेंथ इन पैरा पोजिशन टू फिनोलिक ओएच ग्रुप इंक्रीजेस एक्टिविटी बट ग्रेटर देन 6 कार्बन इज लेंथ वाटर सॉल्युबिलिटी एंड डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी. जनरली हेलोजिनेशन इंक्रीजेस द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ फिनॉल बट नाइट्रेशन इंक्रीजेस एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी and systematic toxicity. Types and number of microorganisms present. The efficiency of disinfect greatly depends on the nature and the number of contaminating microorganism and especially on the presence and absence of bacteria spores. It can be seen that most vegetative bacteria are rapidly killed by most chemical disinfectant. Bacterial spores are difficult to destroy, but some disinfectant, example aldehyde and sporicides. Interfering substance in the environment. Materials such as blood fluid, pus, milk, food residue or colloidal proteins may reduce the effectiveness of disinfectant if present in small amount. The presence of oil and fat markedly reduces the disinfecting ability of phenol. Potentialization, eight factor synergism and antagonism of disinfectant. Potentialization matlab of a disinfectant lead to enhanced antimicrobial activity. Synergetic effect are often shown by two antimicrobial agent which is giving an increased activity. Antagonism effect are often shown by two antimicrobial agents which is giving an decreased activity. Evaluation of antimicrobial agents and disinfectants. फोर मेथड्स ये कि जिस तरीके से अपन इवेल्यूएट कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी को. नंबर वन इज ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगर प्लेट मेथड, कप प्लेट मेथड और सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, डिच प्लेट मेथड, ग्रेडियंट प्लेट टेक्निक, फिनोल कोफिशियंट मेथड, उसको अपन रिडल बॉकर मेथड टेस्ट भी बोलते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस द ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगर प्लेट मेथड. अगर प्लेट मेथड द केमिकल The chemical agent is incorporated into nutrient broth or agar medium and inoculated with test tube microorganism. These test tubes are incubated at 30 degree to 35 degree for 2 to 3 days and then the results in the form of turbidity or colony are observed. The results are recorded and the activity of given disinfectant is compared. दीदी बोल दो, क्लास चल रही है. सेंगर सर, सर क्लास चल रही है. क्लास ट्यूब डाइल्यूशन अगर प्लेट मेथड specifically first figure mein apan clear dikh raha hai, slightly turbid, moderate turbid and more turbid. No colony form matlab disinfectant ne specifically effect acha diya hai. Slightly turbid matlab specific percentage mein kuch kami hai jis wajah se wo utna turbid nahi hua. Moderate turbid, more turbid. Cup plate or cylindrical plate method, a nutrient agar is melted, cooled, suitably poured into the petri dish, spread 0.2 ml of known concentration of inoculum on the surface of the solidified agar. Cup or cavities are made by using a sterile pourer. Now 0.2 ml of drug is poured into the cup of agar plate and then incubated at 37 degrees centigrade for 24 hours. If the drug has any antibacterial effect, it will show the zone of inhibition. This is the diagrammatically representation of cup plate or cylindrical plate method. यहाँ पे आपको ये pores दिख रहे हैं, pore develop करते हैं. Specifically इसमें अपन spreaded plate techniques के through अपन इसमें inoculate करते हैं, incubate करते हैं 37 degree centigrade पे.
और 24 आवर्स के लिए, उसके बाद उसका इफेक्ट देखते हैं। फिर डिच प्लेट मेथड, द न्यूट्रिएंट अगर इज मेल्टेड कूल सुटेबली पोर्ड इनटू द पेट्री डिश, द सॉलिफाइड मीडिया इज कट विद ए स्टराइल प्लेट टू मेक ए डिच, द ड्रग इज पोर्ड वेरी केयरफुली टू द डिच, वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ट्रीट ऑन द साइड्स ऑफ द डिच, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंसी ऑफ द ड्रग अगेंस्ट वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय द मीन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ और स्ट्रिक्ट एरिया। This technique is used to isolate the resistant mutant, gradient plate technique. The petri dish is kept in a slant position and a sufficient amount of melted nutrient agar is poured and solidified in the slanting position. Another layer of agar is poured over it, which contained antibiotic solution and solidified it. After solidification, 0.2 ml of bacterial culture was spreaded over the solid surface and incubated at 37 degree centigrade for 24 to 48 hours. The microorganism will grow where the concentration of the drug is below the critical level. The antibiotic get diluted on the lower layer and the gradient of concentration will be produced. Thus the resistant mutant can be isolated. This is the gradient plate technique. यहाँ पे आपको फर्स्ट फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, तो ये जो आपको लाइन ब्लैकिश दिख रही दिस वन इज अगर, यहाँ पे स्लैंट है तो यहाँ पे अगर प्लस एंटीबायोटिक और अगर दिख रहा है। स्लैंट करने के बाद अपन स्ट्रेट करेंगे, फिर उसमें अपन अगर प्लस एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। देन फिफ्थ, फिनॉल कोफिशिएंट मेथड, रिडल वॉकर टेस्ट। फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट इज सुटेबल फॉर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट मिसिबल विद वाटर एंड विच एक्सर्ट देयर एंटी माइक्रोबियल एक्शन इन मेल similar to that of phenol. Test organism is Salmonella typhi. Standard disinfectant is 1% or phenol. Difference dilution of the test disinfectant and phenol are prepared and 5 ml of each dilution is inoculated with 0.5 ml of growth culture of organism for 24 hours. All tubes disinfectant plus organism and phenol plus organism are placed in the 17.5 degree centigrade in water bath. Subculture of each reaction mixture are taken and transferred to 5 ml sterile broth after 2.5, 5, 7.5 and 10 ml. The broth tube are incubated at 37 degree centigrade for 48 to 72 hours and are examined for presence or absence of growth. Determination of Riddlebach, test disinfectant and phenol. टेस्ट में अपन ने डाइल्यूशन लिया 1:2000, टाइम इंटरवल 2.5, ढाई मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 7.5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। जब अपन ने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट लिया 1:2000 तो उसमें अपन को 2.5 मिनट बाद तो दिखा, पर 5 मिनट बाद उतना इफेक्ट नहीं दिखा ना 7.5, मतलब वो माइनस, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखा। देन उसके बाद 1:2000 में अपन ने 5 मिनट तक दिखा, 7.5 और 10 मिनट में नहीं दिखा। देन 1:3000 में 7.5 तक दिखा, 10 मिनट में नहीं दिखा। 1:4000 में 10 मिनट तक अपन को 2.5 में जितना इफेक्ट दिखा उससे थोड़ा ज़्यादा 5 में, फिर 7.5 में भी दिखा और 10 में भी दिखा। अब वहीं अगर अपन स्टैंडर्ड की बात करिए, दिख रहा है आपको ग्रोथ और नॉन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ स्पेसिफिकली प्लस है और नॉन ग्रोथ इज नेगेटिव। नेगेटिव शोज कर रहे हैं नो ग्रोथ। फिनॉल 1:80 में प्लस प्लस 2.5 मिनट्स, आफ्टर दैट 5 मिनट्स 7.5 में अपन को नो ग्रोथ दिखी और 10 मिनट्स के बाद भी। फिर 1:100 में जब अपन ने किया तो अपन को 5 मिनट तक कोई ग्रोथ दिखी, फिर उसके बाद अपन को 7.5 और 10 मिनट में कोई ग्रोथ नहीं दिखी। वहीं अगर अपन रेशियो ले रहे हैं 1:120 तो अपन को 7.5 तक ग्रोथ दिखी, 10 मिनट के बाद अपन को कोई ग्रोथ नहीं दिखी। एंड 1:140 यहाँ पे आपको 20-20 का डिफरेंस दिख रहा है, वहाँ पे 1000-1000 का डिफरेंस था, यहाँ पे अपन को 10 मिनट तक ग्रोथ दिखी। इज द डिटर्मिनेशन टेबल ऑफ रिडल-वॉकर कोफिशिएंट। रिडल-वॉकर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5 बट नॉट इन 5 मिनट्स, डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल किलिंग इन 7.5 बट नॉट इन 5 मिनट्स।
2000 divided by 100 is equal to 20. If a phenol coefficient or Riedel-Walker coefficient of a given test disinfectant is 1, it means that disinfectant has same effectiveness as phenol. The phenol coefficient or Riedel-Walker coefficient Phenol coefficient or Riedel-Walker coefficient of a given test coefficient is less than 1, it means that disinfectant is less effective than phenol. If a phenol coefficient or Riedel-Walker coefficient of a given test disinfectant is more than 1, it means that disinfectant is more effective than phenol. Agar aapka more than 1 aa raha hai, to matlab disinfectant more effective than phenol. If phenol coefficient of the test disinfectant is 20, it means that the disinfectant is 20 times more active than phenol, 20 times ज़्यादा effective. यहाँ पे अपन ने आज topic cover किया disinfectant. सबसे पहले अपन ने disinfectant में क्या पढ़ा? Terminologies कौन सी use होती है? Sepsis, asepsis, bactericidal, bacteriostatic. फिर अपन ने introduction part में अपन ने पढ़ा definition of disinfectant. कौन सी सुटेबल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट की. उसके बाद अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्ट करने के बाद अपन ने इवेल्यूएशन पैरामीटर्स की 4 मेथड्स पढ़ी कि अपन किसी भी डिसइंफेक्टेंट को किस तरीके से इवेल्यूएट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोसाइटिंग एंड बैक्टीरियोसाइट. थैंक यू.